नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चारकोल पेंसिल्स के बारे में और चारकोल्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूं अपने वीडियोस में। और इसके बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बनाएं, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। जो चारकोल का कंटेंट मेरे पास है, चारकोल से रिलेटेड टूल्स और पेंसिल्स या फिर डिफरेंट चारकोल, काइंड ऑफ चारकोल्स, जैसे कि विलो चारकोल हो गया या वाइन चारकोल हो गया, तो इन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया था, और इसके पहले मैंने इसको यूज़ किया है लेकिन डिफरेंट दूसरी ब्रांड का। तो ये है एक चारकोल, विलो चारकोल, जो कि डेलर ओनी ब्रांड का है, और ये बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के चारकोल्स हैं। ये स्टिक्स हैं एक्चुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम स्टिक्स, और 15 हैं इसमें। ये ऑलमोस्ट मेरे को अराउंड पड़ा था 400 रुपीज़ का, 360 इस पे है, और कुछ शिपिंग वगैरह अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया था इसको। तो मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। एक्चुअली ये विलो होते हैं और वाइन चारकोल्स भी बोलते हैं इनको, और काफ़ी आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से पैकिंग में आते हैं, और ये देखेंगे आप अगर अंदर से इसको मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके के। और ये चारकोल की स्टिक्स होती हैं जो वुड को बर्न करके और एक प्रोसेस के बाद बनाई जाती हैं। चारकोल इस तरीके का चारकोल प्रिपेयर होता है। ये अलग अलग साइजेस में भी आते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है फ्रेंड्स, कि जब हम चारकोल्स में आउटलाइंस को शेप ड्रॉ करना होता है फेस का, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत रफ़ स्केच के लिए भी बहुत अच्छा है। शुरुआत में जब बिगिन करते हैं किसी फेस को ड्रॉ करने के लिए, तो इसी को यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम चारकोल में जब हम इनिशिएट करते हैं, तो किस तरीके से इनिशिएट करते हैं किसी भी फेस को। तो ये एक चारकोल मीडिया है जिसको यूज़ किया जाता है, कई सालों से यूज़ किया जाता जा रहा है, काफ़ी पहले से आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपने जैसे सपोज़ कुछ ड्रॉ किया और इस पे फिर आप जैसे स्मच करोगे इसको हाथ से ही, तो ये पूरे के पूरे ओमिट हो जाते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही लाइट शेडेड होते हैं। इसका पर्पस यही है फ्रेंड्स, कि आप जब इनिशिएट करते हैं ड्राइंग को, तो आउटलाइंस वगैरह ड्रॉ करने के काम में आता है ये शुरुआत में, कि मेरे प्रपोर्शन कैसे जा रहे हैं, फेस के आउटलाइंस कहाँ जा रही हैं, उससे ये इसी से पता चलता है। फिनिशिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते हम, और फिनिशिंग के लिए कुछ अलग टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ और दूसरे टूल्स की बात करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये एक क्रेटा कलर का चारकोल है जो मैंने परचेज़ किया था। ये देख सकते हैं आप, क्रेटा कलर के चारकोल्स आते हैं, 6 आर्टिस्ट लेड असॉर्टेड। इसमें और काफ़ी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, अलग अलग टूल्स थे, पेंसिल्स काइंड ऑफ, और अब इसमें इतने ही रह गए हैं, बाकी सारे मैंने यूज़ कर डाले, देख सकते हैं आप। और डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये, और इसमें ये एक चारकोल है जो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, और इसको मैं फर्दर भी परचेज़ करने की इच्छा में हूँ और परचेज़ करूँगा। ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा रफ़ चारकोल है, ये उतना इजीली ब्लेंड नहीं होता, और इसमें काफ़ी सैंडी इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स होते हैं। तो जैसे ही हम उसमें इनिशिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसी पे आते हैं। जैसे हमने उससे विलो चारकोल से इनिशिएट किया, उसके बाद जो एरियाज और डार्क करने हैं वो हम इससे करते हैं। और इसमें देखिए कम्प्लीटली ये वो नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, ये भी काफ़ी अच्छे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको भी, अमेज़ोन से ही मैंने परचेज़ किया था। इसके बाद आता है फ्रेंड्स जो बहुत डार्कर एरिया है, ये है कैमल ब्रांड का चारकोल, कंप्रेस चारकोल, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसको, और ये बहुत ज़्यादा डार्क है, जैसे हेयर्स हो गए या बैकग्राउंड हो गए वहाँ के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। देख सकते हैं आप कितने डार्क होते हैं, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली स्मज नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छी वैल्यूज़ दे जाते हैं चारकोल की, और इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी लाइव हो जाती है, 3 डायमेंशनल बना सकते हैं आप। ये बहुत सस्ते मिलते हैं फ्रेंड्स, एक स्टिक इसकी तकरीबन 10 या 12 रुपये की अराउंड मिलती है,
जो कि आप खरीद सकते हैं। इसको कंप्रेस्ड चारकोल बोलते हैं, ये काफ़ी कंप्रेस्ड होते हैं इसीलिए इतनी डेंस होते हैं, और जब पेपर पे आप इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं ये, एज़ कम्पेयर टू विलो चारकोल। विलो चारकोल काफ़ी हॉलो होता है, काफ़ी हल्का होता है, इसका साइज़ भी काफ़ी कम होता है, मतलब डायमेंशन की बात करें तो वेट भी बहुत हल्का होता है, बिल्कुल एक वुड स्टिक की तरह होता है ये। और लेकिन कंप्रेस्ड चारकोल भारी होता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। सभी की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक से ही काम चल जाएगा। अगर आप कंप्रेस्ड चारकोल ले रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं विलो ना ख़रीदूँ, तो ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना रोल है ड्राइंग में और सबको ही यूज़ करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की ड्राइंग कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है कैमलिन ब्रांड की चारकोल पेंसिल जो सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्ट भी आता है, मीडियम आता है, डार्क आता है, तीन तरह की पेंसिल्स आती हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और बिगनर आर्टिस्ट इसको काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग वगैरह में। और तो ये एक एवरेज पेंसिल है, ठीक ठाक है, अगर आप बिगिन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं चारकोल्स में तो इससे आप शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली, और ये आपको काफ़ी कुछ लर्न करा के बताएगा, इससे काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगा चारकोल्स में अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये भी प्रॉपरली स्मज नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, इट विल रिटेन ऑन द पेपर व्हेन यू प्रोड्यूस सम स्ट्रोक्स, आप जब स्ट्रोक लगाते हैं तो ये रिटेन, और ये बहुत जल्दी ब्रेक भी होते हैं फ्रेंड्स, देखिए अभी आपके सामने ही ये ब्रेक हो गया, तो इसीलिए मैं बोला था कि ये काफ़ी एवरेज क्वालिटी है और कैमलिन इसको बनाता है लेकिन काफ़ी चीप भी है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन ब्रांड्स ऑफ चारकोल पेंसिल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो है जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ, डरविंट ब्रांड का है ये चारकोल, और ये डार्क वाला है मेरे पास, सॉफ्ट भी है, ये भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और इसमें एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है जब आप इसको पेपर पे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं और आप देख सुन पा रहे होंगे इस तरीके से ये पेपर पे काफ़ी साउंड प्रोड्यूस करता है, बट इसकी क्वालिटी इज़ मच बेटर फ्रॉम कैमलिन, और प्राइस भी उसी अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा खासा होता है इनका अगर कैमलिन से कंपेयर करें तो, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी फाइन। अगर आपको एक प्रोफेशनल चारकोल ड्राइंग करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट चारकोल पेंसिल की तरफ, वो है ये जनरल्स ब्रांड की जनरल्स चारकोल, ये बहुत ही पॉपुलर पेंसिल है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी इसी चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हैं, मैंने जितनों को देखा है वो लोग भी इसी चारकोल को यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में भी इस चारकोल की काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लोग काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं इस ब्रांड को और काफ़ी प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स हों या फिर आर्ट के टीचर्स हों, वो लोग काफ़ी इसका यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है जब आप इसको देखेंगे। मैं हालांकि ये ब्लेंड नहीं होते कम्प्लीटली जैसे कि बाकी चारकोल्स नहीं होते, लेकिन जो स्मूथनेस है और जो लिड की क्वालिटी है, पेंसिल की क्वालिटी है, ये ब्रेक नहीं होते बहुत ईजिली, जैसे कि कैमलिन थोड़ा ब्रेक हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन ये ब्रेक नहीं होते। और इसमें थोड़ा सा प्राइस, ये थोड़े हायर प्राइस के होते हैं, आई थिंक ये एक पेंसिल अराउंड 180 रुपीज़ के अराउंड थी जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने परचेस किया था, तो अभी मुझे प्राइस का कंफर्म नहीं है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं मार्केट में कि ये किस प्राइस की है, लेकिन ये वर्थ प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप ख़रीद सकते हैं इसको, और जब आप देखेंगे खुद भी कि आपके आर्ट में काफ़ी डिफरेंसेस आने लगेंगे जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो, और ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा अच्छा खासा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम वाइट चारकोल पेंसिल की तरफ, इसके लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कौन से चारकोल है जो मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ, पेस्टल्स में भी यूज़ करता हूँ और चारकोल्स में भी यूज़ करता हूँ, तो ये भी जनरल्स की है, जनरल्स वाइट चारकोल के नाम से आती है ये, और ये भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही है, बट ये जैसे आप वाइट पेपर के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है फ्रेंड्स, जब पेपर में कुछ टोन होते हैं तो वो टोन आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बैकग्राउंड डार्क हो गया है जैसे यहाँ पे मैंने किया है, तो उसके ऊपर आप जब इसको लाइंस प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें लाइंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, शेड्स को जनरेट कर सकते हैं, तो ये इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है चारकोल ड्राइंग में, और लाइट एंड शेड्स के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती,
ये एक पेंसिल आप खरीद सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स। जैसे कि जनरल्स की अदर चारकोल पेंसिल्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक स्टिक की भी बात कर लेते हैं, ये पेस्टल्स हैं, हालांकि टॉयस एंड डोर का कोहिनूर ब्रांड का मैंने इसको भी परचेज़ किया था, टॉयस एंड डोर करके आता है, और ये ओपन में भी मिल जाता है आपको, अगर आपको एक ही ख़रीदना है तो ये भी मिल जाएगा। और इसको भी पिस्टल्स में काफ़ी यूज़ करते हैं, और आप देख सकते होंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स ये भी देता है, और ये काफ़ी स्मूथ होता है। जैसे ही आप इसको पेपर पे अप्लाई करेंगे तो ये एक स्मूथ अपने इफेक्ट छोड़ जाता है पेपर के ऊपर, जो कि काफ़ी पेपर की जो इफेक्ट है उसको काफ़ी अच्छा कर देता है। और बहुत सारे आर्टिस्ट इसको भी यूज़ करते हैं वाइट एरियाज़ के लिए, और मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए फ्रेंड्स जो चारकोल में जो मैंने यूज़ किए हैं रिसेंटली, जो मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा पहले काफ़ी और भी चीज़ें थी जो यूज़ करता था, बट वो प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। जो अभी हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स कि आप भी इसमें ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और चारकोल एक बहुत अच्छा फील्ड है आर्ट को सीखने का, तो आप इसमें डेफिनेटली ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, किसी मटेरियल आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा हो तो भी मुझे डेफिनेटली बताइएगा, अगर मैं इसमें कुछ हेल्प कर पाऊँगा आपकी। तो फ्रेंड्स थैंक यू। ये सारे मटेरियल जो हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल भी दे दूंगा, आप अमेजोन से भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और लोकल मार्केट से भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू।